डैड, माँ, माँ मैं पास हो गया, मैं पास हो गया माँ। अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरे बेटे। डैड मैं पास हो गया बेटा, खूब नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो, आजा चलो। अच्छे से पास होके खानदान का नाम रोशन कर दिया तूने। बड़े भैया, हे बड़े भैया, क्या? मैं पास हो गया। बहुत बहुत बधाई हो भैया। मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आया हूँ। बस हमको पता है कि एक नंबर के ऊपर कोई नंबर ही नहीं होता। अगर एक नंबर होता तो हमारा छोटा भैया उसी नंबर में पास होता। हे मोहन, हे मैन, कम हियर। मोहन भैया। अरे अरे, मैं पास हो गया। शाबाश। ए रवि, सिर्फ पैर छूने से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। दे दूंगा, इसमें क्या। अरे देखो, तुम्हारी माँ मुझे चूटी काट रही है। मैं कहाँ चूटी काट रही हूँ? ये कहती है कि मुझे थैंक यू बोलो। हाँ छोड़ो, देखो तुम सबके सामने हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती है। इसे थैंक यू इसलिए चाहिए कि अनपढ़ होते हुए भी इसने तीन तीन होनहार बेटे पैदा किए। तो क्या किए नहीं? हाँ, लेकिन इन्हें होनहार बनाया किसने? मैंने। मैं चाहता था विक्रम डॉक्टर बने, ये बन गया ना सर्जन। मैं चाहता था मोहन पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, तो इसने पुलिस ज्वाइन की। अब मैं चाहता हूँ कि रवि मेरी तरह जज बने। और रवि भैया जज जरूर बनेंगे, तथास्तु। अरे ये सब लोग तो तुम्हें फीकी बधाई दे रहे हैं, और मैं तुम्हें मीठी बधाई दूंगी। अरे रुक जा रुक जा, अभी पहले तिलक लगाने दो, आरती करने दो अपनी बहन को। चाचा चाचा, मेरी साइकिल। पापा। साइकिल? कौन सी साइकिल? आपने वादा किया था आप पास होगे तो मुझे नई साइकिल ला के दोगे। भाई हमने कब वादा किया था? बुआ किया था ना? हाँ किया था। तो एक काम करो, बुआ से जाकर साइकिल ले लो। अच्छा, दो साइकिल की दुकान लगानी है। चाचा तेरी साइकिल पहले से ले आए हैं, वो देख। ये रही मोहित की साइकिल। और मेरे और रवि के पास होने की खुशी में इस घर के सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई। चाचा, I love you. Thank you. कितने की लाए हो साइकिल? भाभी, ये साइकिल मेरी तरफ से मोहित को एक तोहफा है, और तोहफे पर कीमत का नहीं प्यार का टैग लगा होता है। दरअसल ये हम सबको याद दिलाना चाहती है कि ये बड़े अमीर बाप की बेटी है, और मुझसे शादी करके इसने इस घर पर एहसान किया है। क्यों? तुम जो भी समझो, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि रवि अभी स्टूडेंट है और उस पर ये साइकिल का खर्चा क्यों? रहने दो अपनी दलीलें, मैं सब समझता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब इस मुकदमे का मॉक ट्रायल शुरू होता है। यह है वो आदमी जिस पर खून का इल्जाम लगा है। आर यू ऑल रेडी? प्रोसिक्यूशन में प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। सर, 24 जनवरी की रात को किरण ने रॉकी बार में जाकर रॉकी के सर पर जोर से आयरन रॉड मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी इंसान को कोई हक है कि दूसरे इंसान की जान ले? पर अगर नहीं तो उस इंसान की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई एग्री कि किसी एक इंसान को दूसरे की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं, लेकिन किरण भी एक इंसान है, हमारे समाज का एक अंग है, उसी समाज का जिसने ये कानून बनाया है। सर, खून की हमारे जिस्म के अंदर जरूरत है, लेकिन वही खून जिस्म के बाहर कितना भद्दा दिखाई देता है, और किरण के हाथों ये भद्दा काम हुआ है। लेकिन क्यों? क्या खून करना उसका पेशा है? नहीं नहीं सर, तो फिर उसने ये खून क्यों किया? क्योंकि खून करने पर उसे मजबूर किया गया। सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता खून करने के लिए। हालात, हालात मजबूर करते हैं एक शरीफ को चोर बनने पर, हालात मजबूर करते हैं एक ईमानदार को बेईमानी करने पर, और हालात मजबूर करते हैं एक मासूम को जालिम बनने पर। पढ़ाई में तो आंखें गई, ये जवानी भी चली जाएगी। अरे किताब और मैगजीन में क्या रखा है, कभी नजर हमसे भी तो मिला लेते हो। लोफर, लोफर। हाय एवरीबॉडी।
ये मेरी चिड़िया है, इसे मैं पटाऊंगा। हाय स्वीटी। अरे अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो, पैदल क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें लिफ्ट देने को तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। रास्ता छोड़ो मेरा। और अगर ना छोड़ो तो? सुना है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से 4 साल से तुम एक ही क्लास में हो। अपने आप पर नहीं, अपने माँ बाप पर तो रहम खाओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बोलती हो और मीठा भी। आओ तन्हाई में कुछ तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनूं मैं। देखिए मौसम कितना आशिकाना है। अरे सुनाओ ना, कुछ तो सुनाओ, नहीं तो बिना का गीत माला ही सुना दो। ये क्या गुंडागर्दी है, छोड़ो मधु को। मधु वैसे छोड़ने की चीज नहीं है, चाहने की चीज है। जा बच्चे अपना काम कर जा। मैंने कहा ना मधु को छोड़ो। नहीं छोड़, क्या कर लेगा तू? चला जा, चला जा वरना चीर के रख दूंगा। आउट। हाँ तो मेरी जान, मुझे बात करें। प्रिंसिपल, गुरु प्रिंसिपल। हाय। क्या कर रही हो? सोई हुई मर्दान की जगाने की कोशिश कर रही हूं। मुझे उस गुंडे विनोद से बचाने के बजाय। विनोद से तुम्हें ना बचाने की वजह थी, इसलिए इसने मुझे आकर कहा तुम्हें बचाने के लिए। मधु तुम रवि के गुस्से को नहीं जानती, लेकिन मैं इसे बचपन से जानता हूं। मुझे अब तक याद है जब ये 10 साल का था। क्या बोला मेरी बहन को, एक बार फिर से बोल। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा, तेरी बहन पागल है, पागल है, पागल है। बचपन से ही जब इसे गुस्सा आता है तो इस पर पागलपन सवार हो जाता है। तो क्या वो बच्चा मर गया? हाँ, रवि बच्चा था, इसलिए अदालत ने इसे 6 महीने चिल्ड्रन होम में रहने की सजा दी। फिर एक और हादसा हुआ। मेरी पहली पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों ने मेरे छोटे छोटे बच्चों की खातिर मुझे दोबारा शादी करने पे मजबूर किया। रिसेप्शन पार्टी थी। मुबारक हो प्रिंसिपल साहब, इस बुढ़ापे में शादी करके आपने तो अपने दिल की तमन्ना पूरी कर ली, मगर इनका क्या होगा? इनके बारे में भी तो सोचिए, इनके दिल की तमन्ना कौन पूरी करेगा? ये तो कोई जवान चाहिए, ये तो अभी जवान है। Stop it! Stop it! Stop it! It is my honor!
जब मैंने तुम्हें किसी से लड़ाई करने के लिए मना किया था तो फिर क्यों तुमने उस लड़के को इस तरह से मारा? कसूर सोमनाथ जी रवि का नहीं है, कसूर मोंटी का है। इसने मेरी इंसल्ट की और रवि बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम अच्छी तरह जानते हो इसका यह गुस्सा किसी दिन इसे फांसी तक पहुंचा देगा। तुम्हें आज कसम खानी होगी, कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे रवि। जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। पूजा कम यहां, कम यहां, कम यहां। मेरा ख्याल है तुम्हें और वार्निंग देने का कोई फायदा नहीं। मुझे मैनेजिंग कमेटी से बात करके तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट करना होगा। सर आप ये भूल रहे हैं कि मेरे पापा इस कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। शायद इसीलिए अब तक तुम इस कॉलेज में हो। मगर एक बात याद रखना, भूल कर भी कभी रवि से मत टकराना। क्यों? वो कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है क्या? वो पहाड़ में छेद कर सकता है, चट्टान में दरार ला सकता है। भूल कर भी कभी उसके गुस्से को मत ललकारना। उसका हाथ फौलाद का बना है, फौलाद का। ये हाथ भी किसी फौलाद से कम नहीं है सर। सचमुच आप हैं। ये तारीफ एक बाप का दिल जीत सकती है, जयकाल का नहीं। जयकाल अपने बेटे को महाकाल देखना चाहता है। महाकाल, प्रैक्टिस करो, ध्यान को समेटो, बिखराओ नहीं। यूसुफ पटेल सुवाचे जगल सेठ कुरला विक्रोली नो हफ्तो आजी सुदे केम न थे आवे वो हफ्ता तुम्हें वसूल करने जाना है। वो हमला जाऊं जो जगल सेठ यज्ञेश शेट्टी एन समाचार हैला पा नन अली बगे होगे बा होगवर्तिन खेलसे ना पा आज शाम तक बोट एमिनेशन लेकर आएगी। गाड़ी और पैसे लेकर जाना, डिलीवरी लेकर मुझे फोन करना। आए तो पा सामने ले 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 पा। रखना नहीं है, पहुंचाना है। हाँ, और वो कहाँ पहुंचाना है मैं तुम्हें बताऊंगा। सरी आज चक्रवर्ती है मशाय आखिर पुरजन तो ड्रग जासे ने रंजीत अनेक गंडगोल करे छे सर। ओ हमारा ड्रग का ट्रक लूट लिया। पापा नहीं, अब उसे हम माफ नहीं करेंगे। अब उसे सबक मैं सिखाऊंगा। Thank you.
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक गुंडों को, स्मगलर्स को, आतंकवादियों को सियासी ताकतों से शह मिलती रहेगी, जनता की नजरों में बदनामी पुलिस की होगी। हालांकि पुलिस मजबूर है, इसलिए जब कभी गैंगवार शुरू होती है तो पुलिस अपनी आंखें और कान बंद कर देती है। मरने मारने तो मुजरिमों को आपस में ऐसे ही, इसमें कानून का कोई नुकसान नहीं, उल्टा फायदा ही फायदा है। रवि, तुम मेरे साथ बाजार चलो। कामना को जब भी मैं पूछती हूँ कहती है रीसेल में जाना है, रीसेल में जाना है। रीहर्सल नहीं श्रीमती जस्टिस सोमनाथ, रीहर्सल। चलो रवि। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप सौदा खरीदते वक्त बड़ी खिचखिच करती है। गले में खिचखिच? कुछ लेती क्यों नहीं भैया, प्लीज। अच्छा एक काम करो, मुझे बता दो क्या क्या लाना, मैं जाकर ले आता हूं। रुपए की चीज 5 रुपए में नहीं चाहिए मुझे, तुम लोग तो घर लुटा दोगे। और तुम 5 रुपए की चीज 1 में लाकर किसी दूसरे का घर लूट लो तो ठीक है। हाँ, वो चलेगा। अभी कुछ मैं बोल दूंगी, इसे कहो मेरे साथ चले। पिताजी मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं वहां जाके क्या करूंगा। भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, घर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो मैं भी नहीं टाल सकता। लेकिन पिताजी मैं वहां जाकर क्या करूंगा, वहां सब हंसते हैं लोग मुझ पर। दिस इज एन ऑर्डर। रवि तुम्हारा फोन है। किसका है? किसी लड़की का है। लड़की? लड़की? लड़की है। लड़की? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? मेरे कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। क्यों नहीं? एज ए डॉक्टर मेरी एडवाइस है, 1 गर्लफ्रेंड अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अरे फोन तो ले। हेलो रवि, मैं मधु बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हो? मुझे क्रिमिनोलॉजी की किताब चाहिए थी, मेरे पास थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। वो मेरे पास है, मैं कल कॉलेज में। नहीं, मुझे अभी जरूरत है। मैं लेने आ जाऊँ? नहीं, तुम यहाँ मत आना, बिल्कुल मत आना। देखो मैं प्याज, मैं टिंडा, नहीं मैं खा जा रहा हूँ। हाँ मैं वेजिटेबल मार्केट जा रहा हूँ। तुम वेजिटेबल? पापा, पापा आप इसमें गिरे कैसे? वो किताब यहाँ से। तो पापा फिर गिर जाओगे। मैं भी उल्टा हो गया और तुम भी उल्टी हो गई। क्या मतलब? बचपन में मैं तुम्हारा मुंह साफ किया करता था, अब तुम मेरा मुंह साफ कर रही हो। ये लो किताब, क्रिमिनोलॉजी, इसी के बारे में तुम फोन पे बात कर रही थी ना। पापा वो फोन तो सिर्फ एक बहाना था रवि से मिलने का। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रवि कौन है? रवि कौन है? रवि वही रवि जिसकी छवि की कभी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा? ये कौन है? हाँ वो आकांक्षा और अभिलाषा की मुंह बोली बहन। अभिलाषा मुंह बोली? तुम मुझे क्या हिंदी सिखा रही हो? ओ पापा, आप मेरे पापा हैं ना, मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ। वैसे आप हिंदी में बड़े कमजोर हैं, इसलिए मैं आपको अंग्रेजी में एक चीज लिख के देती हूँ। आप ये पहेली हल करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये लीजिए, अभी मैं, ओ हाँ, वेजिटेबल मार्केट जा रही हूँ। वेजिटेबल मार्केट? OVEL, ओवेल, VELO, वेलो, नहीं नहीं, EVOL, ओवीली, नहीं नहीं, VOLE, वोली, वो क्या होता है? LOVE, लव। माय डॉटर इज लव। लव 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 वेजिटेबल मार्केट? अरे क्या भैया जी, अभी तो गए हफ्ते 8 रुपए किलो थी और आज 16 हो गई। माँ जी पिछले हफ्ते मैं एक बच्चे का बाप था, अब 2 बच्चों का बाप हूँ। चुप। अच्छा ये पालक कैसे दिए? पालक 1 गड्डी के 2 रुपए। 2 रुपए? हाँ 2 रुपए। चल रवि। अजी माँ जी क्या हुआ, आपको कितनी पालक चाहिए? 6 गड्डी चाहिए। 6 गड्डी? अच्छा 6 गड्डी के 10 रुपए दे देना। 6 रुपए दूंगी, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। नहीं नहीं इससे ज्यादा कम नहीं।
मम्मी हाँ। बाकी सब्जी अगले महीने ले लेंगे। अगले महीने चलो। हाँ देख वाह बहुत अच्छी सब्जी है। चल 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 रवि। अरे मेरी माँ, मेरी माँ साथ में रवि। आया माँ। रवि सुनो तो, देख कितनी ताजी भिंडी है। माँ जब तक तुम भाव करोगे सब बासी हो जाएंगे। अरे तुम कौन है, यहाँ से चली जाओ। एक मिनट रवि। आया माँ। रवि मेरी बात तो सुनो। रवि माँ क्या कर रहा है? आया माँ। रवि थैला लेकर आ। आया माँ। मेरे करेले भी चले गए, मेरे टिंडे भी चले गए। मैंने तुमको कहा था बताओ, चली जाओ। माँ ने देख लिया, शाम होता जाएगी। वादा करो कि तुम मेरे साथ चलोगे। आ जाऊंगा। कहाँ? कहाँ? अरे रवि कहाँ? अरे ये कैसे गिर गया? माँ वो थैला हाथ से गिर गया। लेकिन कैसे? ऐसे मुझसे टकरा गए थे, मेरी गलती है। कोई बात नहीं। हाँ कल लेक पर। ये लो के। लेक पर? ये लेक पर क्या? माँ लेक पर उसके पिताजी की आलू की खेती है, बहुत अच्छी खेती है। चले माँ। मधु मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। तो हम उनकी परमिशन ले लेंगे। कैसे? तुम चाहती हो मैं जाके पिताजी से बात करूं अपनी शादी के बारे में? नामुमकिन। तो मैं कर लूंगी। तुम? फिर हो गई हमारी शादी। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती, हमारे यहाँ माँ बाप लड़की पसंद करते हैं, लड़का लड़की पसंद करके नहीं लाता। तो क्या? टेलीग्राम। टेलीग्राम मधु, तुम मेरे साथ धीरे धीरे चलो, अपनी आंखें मुझ पर जमाए रखना और बाकी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या मतलब? मैं क्या अंधी हूँ? करेक्ट, प्यार में सब अंधे ही होते। ठीक है तो बोला। रीटा हाँ, मुझे जरा चूटी काट दो। क्या? अरे मुझे चूटी काटना, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? अरे इतनी जोर से नहीं बाबा। और अभी भैया कामना तुम ये क्या कर रही हो? रेसल कर रही हो? कामना ये मधु। हाँ मधु। और ये मेरी मेरी मोटी बहन, छोटी बहन, क्या नाम है तुम्हारा? कामना। कामना अच्छा भैया, शाम को घर आते वक्त 5-10 किलो मिठाई लेते आना, क्योंकि तब तक मैं ये खुशखबरी सबको सुना चुकी होंगी। कामना देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कामना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये काम करो तुम, ये 100 का नोट लो। और ये नहीं, ये तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रख लूंगी, मैं रख लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे ये तो मेरी। अच्छा काम करो कि मेरा और मधु के बारे में किसी को? कभी नहीं, कभी नहीं। वादा? इन नोटों ने तो मेरा मुंह बंद कर दिया है। लड़की का नाम क्या है ये मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? हाँ वो मैंने किसी से वादा किया है ना कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसलिए। तुमने वादा कुछ ना कहने का किया है ना? एक कागज और पेन दीजिएगा भाभी, ना लिखने का तो नहीं ना? हाँ लिख तो मैं सकती जी, हूँ। जी जी। हाँ एम ए डी मैड, रवि के साथ जो लड़की थी पागल थी क्या? अब प्यार में कौन पागल नहीं हो जाता। ओह रुको ना भैया, अभी नाम पूरा ही नहीं हुआ है। मधु। माँ जी उस दिन जिस लड़की का फोन आया था ना, वो यही थी मधु। सब्जी मंडी में वही होगी। लड़की है या भिंडी तोरी? मोहित जी, दादाजी जरा अपने चाचा को बुलाओ। जी पिताजी। रवि ये हम क्या सुन रहे हैं? जी वो तुम उस लड़की से प्यार करते हो? जी नहीं मैं। लेकिन शादी का फैसला हम लड़की से मिलने के बाद ही करेंगे। वो मैं कल उसे यहाँ बुलाओ। जी कल तो वो। दिस इज माई ऑर्डर। उसे पता नहीं चल। चलो चलो पोजीशन। आ गए आ गए आ गए। चलो चलो स्टाइल में। क्या? ओ हाँ मधु, ये हमारी बहुत प्यारी। भाभी ये मधु, मधु ये। पिताजी मधु।
बाबूजी। ये रोना धोना किस लिए? बाबूजी, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ बाबूजी। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं मर जाऊंगी बाबूजी, मैं मर जाऊंगी। तुम प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ मैं रवि से। प्यार करती हो तो प्यार ही मिलेगा बेटी, हमारा सारा परिवार प्यार में विश्वास रखता है। इधर आओ। मैं? हाँ तुम इधर आओ। जाइए। जी पिताजी। हम दोनों पति पत्नी तुम दोनों को पति पत्नी बनने का आशीर्वाद देते हैं। ओके। हाँ। तुम्हें आज कसम खानी होगी, कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे रवि। क्यों बे ओ नपुंसक, प्रिंसिपल से हमारी शिकायत करता है और खुद लड़की के साथ रोमांस करता है? मधु, अग्रवाल, जज होते हुए तुम क्वीन के साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। अपना घोड़ा वापस ले जाओ, नहीं तो मेरा वजीर मार देगा उसे। रवि, ओह नो, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ कैसे? विनोद और उसके साथियों ने रवि को बहुत मारा, लेकिन रवि ने उन पे हाथ तक नहीं उठाया। आपकी दी हुई कसम किसी दिन इसकी जान ले सकती है। सोमनाथ, जो कसम तुमने रवि को दी थी वो तुम्हारे दिल का डर था कि कहीं रवि के हाथों खून ना हो जाए, और तुम्हारे इस डर ने रवि के अंदर के फर्मा बरदार नेक और शरीफ इंसान को बेड़ियों में जकड़ दिया। वो रवि जो अपनी बहन की जरा सी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो रवि जो अपने टीचर के खिलाफ एक गलत जुमला नहीं सुन सकता था, आज उसे अपने बाप के खिलाफ, अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ सब सुनना पड़ रहा होगा। यहां तक कि आज वो खुद अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकता। क्या ये इस पे ज्यादती नहीं है? तुम्हारी कसम किसी पर हमला न करने के लिए तो हो सकती है, किसी का हमला रोकने के लिए तुम मना नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? रवि बेटा, सांप का जहर इंसान की जान लेता है, उसकी फुंकार नहीं, लेकिन लोग उसकी फुंकार से ही डर के दूर भाग जाते हैं। मेरी कसम इसलिए नहीं है कि तुम अपनी ताकत, अपनी मर्दानगी का गला घोट दो। मेरी कसम तो सिर्फ इसलिए है कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। मैं तुम्हें फुंकारने से नहीं रोकता, उसके लिए मैं अपनी कसम वापस लेता हूं। Yes. जयकाल है क्या घर में? हाँ है, आइए मेरे साथ। तुसे माल भेज दे, पैसे मिल जाएंगे। चंगा जयकाल, कल चंगा जी, सत श्री अकाल। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। नहीं, पुलिस को जो हफ्ता जाता है उसकी लिस्ट में तुम्हारा नाम भी नहीं। नहीं,
तो ये सरकारी वर्दी से अपनी खाल ढाप कर जयकाल का वक्त बर्बाद करने का मतलब? मैं इस वक्त पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं, एक बड़े भाई की हैसियत से तुम्हारे बेटे को समझाने आया। ए, ए, मुझे क्या समझाने आया तू? है कल तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे छोटे भाई को मारा। मारा। सुना था तेरे भाई के पास बहुत ताकत है, फौलादी हाथ है। छक्का निकला, छक्का। कल तक वो कसम से बंधा था बच्चे, आज वो उस बंधन से आजाद हो गया है। कल तक वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन आज आज वो तुम्हारा जबड़ा तोड़ सकता है। ऑफिसर, अपनी जबान की चाल को रोक, वरना जयकाल अपने हाथ से तेरी गाल दबाकर जबान खींच लेगा। मेरे बेटे का जबड़ा तोड़ने की बात करते हो मेरे सामने? जयकाल का बेटा महाकाल है। अरे फूंक मारेगा तो तेरा भाई कहां जा गिरेगा? जिंदगी भर ढूंढ नहीं पाएगा उसे। जयकाल, जब आसमान में सूरज निकलता है ना, तो रोशनी ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ता। तुम देखना चाहते हो मेरी भाई की ताकत? हाँ हाँ, बुला ले तेरे भाई को, देख लेते हैं उसकी भी बची खुची ताकत को। क्यों नहीं काम करें, आज शाम को ही कॉलेज रिंग में क्यों नहीं बुला लेता? जा जा बुला ले, जा। ठीक है, शाम को मिलेंगे। दायनात बहुत मजबूत है, उसे तोड़ दे बेटा। Get up!
back to the ring. उठो रवि, रवि। क्यों इंस्पेक्टर, तेरा भाई तो मेरे जबड़े तोड़ने आया था ना। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर कि तेरा भाई तो छक्का है, छक्का। अबे तू क्या देख रहा है बे? तूने बाजी साबित कर दिया है कि तेरा सारा खानदान छक्का है, छक्का। जयकाल को वो लोग जानते नहीं, they don't know me। पेड़ की सूखी डाली की तरह काट के रख दूंगा सारे खानदान को मैं। आप बीच में मत आइएगा, इस जिस्म पर लगे हुए घावों की फिक्र नहीं है आपके बेटे को। उस नागिन की हसीन मुझे हर पल दस्ती रहती है, और आपकी कसम पापा, मैं उस नागिन की हसी को उसके होंठों से हमेशा के लिए छीन लूंगा। सर, विनोद के इंजेक्शन का टाइम हो गया है, मैं दे आऊं? नहीं, मैं जाऊंगा, इट्स माय ड्यूटी, थैंक यू। तो कभी नहीं हंसेगी, कभी नहीं हंसेगी तू। मैं तेरा वो हशर कर दूंगा कि तू चल नहीं पाएगी। याद है वो दिन, याद है ना? बोलते क्यों नहीं, हुआ क्या है कामना? ये बेहोश क्यों है कामना बेटी? पिताजी प्लीज। भैया भैया कुछ तो बोलो। क्या हुआ बेटा? रवि मोहन जरा सुनो बेटा,
बैठो बैठो। पिताजी आखिर बात क्या है, हुआ क्या? जो हुआ है उसके बारे में हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना है। पिताजी आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? बात ऐसी है कि सुनोगे तो गुस्से में अपने हाथ खून से रंग लोगे और मोहन कानून लेकर उस पर झपट पड़ेगा। किस पर? जिसने हमारी इस सुनो, तुम दोनों को अपने आप पर बहुत काबू रखना है, नहीं तो बात पड़ेगी और हम सबके सर समाज के सामने झुक जाएंगे, खानदान की बदनामी होगी। कामना किसी की हवस का शिकार बन गई। कौन है वो? जयकाल का बेटा विनोद। छोड़ दो भैया मुझे, जाने दो मुझे। भाई रुक जा, कानून छोड़ दो भैया, रुक जा, जाने दो मुझे। रवि कानून अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो मुझे। पिताजी जाने दो मुझे यहाँ से, नहीं छोड़ूंगा उन हराम दादों को, छोड़ दो मुझे। Stop it! This is my order! Yes! Order is an order! Order! And I have to follow your order! गुस्सा अकल और समझ का दुश्मन है बेटा। इस वक्त हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना है, जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। कानून इस मामले में बिल्कुल भिखारी है। कामना की लुटी हुई इज्जत के लिए ना कोई सेक्शन है ना कोई पावर है। And Dad, order is an order. सुनिए इस बात को, इस घर की चार दीवारी से बाहर मत जाने दीजिए। और कामना, उस अभागन को ये सब भूलना होगा, एक बुरा सपना समझकर भूल जाना होगा। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूलूंगी। बेटी तू अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। मैंने सब सोच लिया है पिताजी, विनोद से उसकी नीचता का, उसकी पशुता का बदला मैं जरूर लूंगी। मैं उससे खींच कर दुनिया के सामने लाऊंगी और उससे पूछूंगी क्या मेरा औरत होना मेरा गुनाह है। आखिर क्यों मैं ये अन्याय ये अत्याचार चुपचाप सहूं? और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ूंगी, मैं अपने जैसी हर बेबस और मजबूर लड़की के लिए लड़ूंगी। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन भगवान के लिए मेरे रास्ते में मत आइए। अगर मोहन भैया अपने स्टेशन में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगी। अगर पिताजी की अदालत में भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं दूसरे जजों की अदालतों में जाऊंगी। अगर इस देश में न्याय है कानून है तो उसे मेरा बदला लेना होगा, उसे उस अपराधी को सजा देनी होगी। आज मैं आप सब लोगों के सामने कसम खाती हूँ कि मैं उस अपराधी को सजा दिलवा कर रहूंगी। बेटी बेटी अगर ये बात है तो हम सब तेरे साथ हैं। कानून उसे छोड़ेगा नहीं। ये क्या अफसर? तुम्हारे बेटे की गिरफ्तारी का वारंट। जुर्म
अदालत में पता चलेगा। अदालत में जुर्म साबित करना पड़ता अफसर। मैं नहीं, सबूत साबित करेंगे जुर्म। सबूतों की मजबूत से मजबूत ढाल भी जयकाल का वार रोक नहीं सकती। इसका फैसला मैदान जंग यानी कि अदालत में होगा। पापा, पापा। मैं भी देखता हूँ कौन सा जज एक केस अपनी अदालत में लेता है। मैं एक जज हूँ लाजवंती, और इंसाफ करना मेरा फर्ज है। लेकिन ये फोन, ये धमकियां। इंसाफ करने वाले अगर इन धमकियों से डरने लगे तो यह समाज जंगल बन जाएगा और इंसान वहशी। चारों तरफ खून ही खून नजर आएगा। कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। बलात्कार की सजा फांसी नहीं है, वरना। बबलो जल्दी करो बेटा, तुम्हें स्कूल छोड़ने के बाद तुम्हारी माँ को तुम्हारे नाना के यहाँ छोड़ना है। आई एम रेडी पापा। गुड। आओ शर्ट। ये क्या तुम सही नाम? अपना काम खूब सफाई से निभाया तुमने। मौत माजा धंधा है शर्ट। मी मरत नहीं, मारता है मारता हो। और बुरे से बुरा आदमी अपना धंधा गंदा नहीं रखता शर्ट। जब भी जरूर पड़े तो बुला लेना। गायकवाड़ फॉर्म नाशिक। गला भी काटता है तो खून का टीका नहीं छोड़ता। चलता है शर्ट, क्यों बिहारी? पांडे जी। बोलो प्रभु। सब जजों को हमरी तरफ से गुलदस्ता भिजवाए दिए के नहीं? हाँ प्रभु, और हर फूलन में एक एक कांटा हो घुसेर दीन है। अच्छा किया पांडे जी, अच्छा किया। अब ई कांटन हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी अदालत के सीने में घुस गई हैं। भारत की सबसे बड़ी अदालत के पास मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आया, बल्कि एक ठोस सबूत लेकर आया हूँ। मेरी बेटी का मुकदमा अदालत में दर्ज किए हुए आज 4 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई भी शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इंसाफ के गले पर छुरी रखी हुई है। जस्टिस अग्रवाल के खून के छींटे आज भी अदालत की दीवारों पर अपना रंग जमाए हुए हैं। हर जज को उन छींटों में अपना खून नजर आता है। एक डर है, एक खौफ है, एक दहशत है। सच तो यह है कि कानून और पुलिस के अलावा सब जानते हैं कि ऐसा क्यों है। जिस भी जज की अदालत में ये केस जाता है वो या तो छुट्टी पर चला जाता है या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत का रिकॉर्ड कह रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या इस केस की कभी सुनवाई नहीं होगी? मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं कि मैं भी आप ही की बिरादरी का एक छोटा सा मेंबर हूं। मैंने भी कानून पढ़ा, कानून सीखा, कानून की इज्जत करता हूं मैं। आज 30 बरस हो गए मुझे कानून की खिदमत करते हुए, तो क्या आज कानून मेरी उस खिदमत को नजरअंदाज कर देगा? कानून की जीत का झंडा ऊंचा रखने के लिए 30 बरस से मैं गुनाहगारों को सजा देता आया हूं, बेकसूरों के साथ इंसाफ किया है मैंने। तो क्या आज अपने इंसाफ के लिए मैं अदालत का दरवाजा खड़ा देखता रहूं और सोचता रहूं कि मेरे साथ हुई बेइंसाफी का इंसाफ कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। और अगर ये केस सच में कोई ऐसा तूफान, ऐसा कोई भूचाल, ऐसा कोई जलजला लाने वाला जिससे इंसाफ और इंसाफ के रखवालों को खतरा, तो खतरा मैं अपने सर लेने को तैयार हूं। मैं तैयार हूं अपने सर पर कफन बांधने को। मैं तैयार हूं इंसाफ की राह पर शहीद होने को। मेरा सर्विस रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि आज तक मैंने जितने फैसले किए हैं वो इंसाफ की देवी के चरणों में श्रद्धांजलि रहे हैं। मैंने आज तक इंसाफ के तराजू को डोलने नहीं दिया। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मरते दम तक उसे डोलने नहीं दूंगा। हमें आपकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं है मिस्टर सोमनाथ, लेकिन प्रजातंत्र राज में कोई भी पार्लियामेंट में सवाल कर सकता है कि एक बेटी के केस का फैसला बाप कैसे कर सकता है। आप हमें 2 हफ्ते का वक्त दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाए।
तो जज सोमनाथ सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम तो ये जानते हो कि ये केस कितनी मुश्किलों से मैंने अपनी अदालत में लिया है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मुझ पर कोई उंगली उठाए। पिताजी मैं, मुझे आपकी चिंता है। बेटा मेरी सुरक्षा के लिए मोहन मेरे साथ जा रहा है, तुम अंदर जाओ और जब तक हम कोर्ट से वापस नहीं लौटते तुम घर से बाहर मत जाना प्लीज। अपना ध्यान रखना। आ गया ये खून? कामना और तेरे पिताजी कहाँ हैं? चुप करो माँ, रवि कहाँ है? ऊपर। और विक्रम भैया? अपने कमरे में। कुछ भूल गए क्या? ये वो इतना घबराया हुआ क्यों है? मोहन भाई आप तो पिताजी को लेके कोर्ट गए थे। आप हाँ रवि, पिताजी का मैसेज मोहन लेके आया है। क्या? तू सबसे छोटा है ना, इसलिए पिताजी को हमेशा तेरी चिंता रहती है। वो चाहते हैं कि तू धीरज रख, तो अपने दिमाग को ठंडा रख, अपने गुस्से पे काबू रख। तू गुस्सा नहीं करेगा ना भैया? तुम देख तो अपने ऊपर काबू रखेगा ना? तू हमारा लाडला है, हमारा प्यारा है। देख हम नहीं चाहते कि तू किसी भी तरह किसी भी मुसीबत में आए। भैया तुम कहना क्या चाहते हो? एक बार देखा अपने बच्चे, तू कभी भी किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। भैया तुम कहना क्या चाहते हो? किसी की जान नहीं लेगा। भैया तुम कहना क्या चाहते हो? उनकी भी नहीं जिन्होंने हमारे पिताजी और कामना का खून किया है। नहीं, नहीं, तो मुझे छोड़ दो। रवि, अपने आप का दबाना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। चाचा, चाचा, दादाजी और बुआ जी कहाँ चले गए?
बोलो ना चाचा। सब कहते हैं कि वो भगवान के पास चले गए और जो भगवान के पास जाता है वो वापस कभी नहीं आता। दादाजी कभी नहीं आएंगे? दादाजी आएंगे, जरूर आएंगे। एक बार मेरी यह हथकड़ी खुल जाए दादाजी जरूर आएंगे। मोहित जी, तो चाहता है ना दादाजी आ जाए? हाँ। एक काम कर, जाके डैडी के ड्रॉर से चाबी लेके आ और यह हथकड़ी खोल दे। जा जल्दी जा। मैं अभी आया। हाँ कोर्ट का रिलीज ऑर्डर है। किसकी रिलीज का? मेरे बेटे विनोद की। और उस बलात्कार के केस का क्या हुआ? फरियादी को भगवान ने अपनी अदालत में बुला लिया है, इसलिए इस अदालत से मुकदमा खारिज। मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाने आया हूँ। जादव। यस सर। विनोद को ले आओ। विनोद, तुम्हें रिहा कर दिया गया है। मैंने कहा था ना, दुनिया की कोई अदालत मेरे बेटे को सजा नहीं दे सकती। नो सर, दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। मैं जानता हूं, लेकिन हम मजबूर हैं, अदालत का हुक्म तो हमें मानना ही पड़ेगा। विरोध कर रिहा होना उसकी जिंदगी के लिए और भी खतरनाक हो गया है सर। माय गॉड, मेरा छोटा भाई रवि घर से भाग गया है सर। वो बदले की याद में जल रहा है, न जाने कब वो जयकाल और उसके बेटे को जलाकर राख कर देगा, ये कोई नहीं जानता। नहीं, तुम अपने भाई को ऐसा कुछ नहीं करने दोगे। इट्स योर ड्यूटी। तुम जानते हो आज जयकाल के बेटे विनोद की इंगेजमेंट पार्टी है। तब तो रवि वहां जरूर पहुंचेगा। आई टेक योर लीव सर। अरे टैक्सी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कहाँ जा रहे हो? इसे कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ सर, ये मेरी बेटी है कविता। नमस्ते। हेलो, किस कॉलेज में पढ़ती हैं आप? रविंद्र नाट्य विद्यालय में। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू। रविंद्र नाट्य विद्यालय में बहुत ही नाम है इसका सर, रविंद्र नाट्य मंदिर में बहुत से इनाम जीते हैं इसने। बस सर, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि इसको दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बनाओ। मैम साहब। Yes? तुम का बुलाए रहीन है। तुम चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ जयकाल, अपने आप को और अपने बेटे को बचा के रख। शेर पिंजरा तोड़ के निकल चुका है। बहुत बहुत मुबारक। नमस्ते। नमस्ते। मुबारक जी।
चंगा जी। सुनो अफिसर, तुम्हारे भाई जैसे छोकरों की हिम्मत नहीं जो जयकाल का खून बहा सके। रवि चाहिए जिंदा या मुर्दा। तन करते ना। उस हरामजादे रवि को ढूंढो, रवि की तलाश करो, उसका गला काट दो। दिलासा नहीं, रवि की लाश चाहिए मुझे। हाँ जयकाल से। मैं कानून से भागा हुआ मुजरिम हूं, मुझे नहीं पता मेरी मंजिल कहां है। मैं हर सफर में तुम्हारे साथ हूं। मेरा सफर मौत का सफर है और मैं नहीं चाहता तुम मेरे। सवाल तुम्हारे जाने का नहीं है, मेरे जाने का है, मेरी मर्जी का है। और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हें फैसला करने का हक किसने दिया है? हाँ, तुम मेरी बेटी हो, मेरी। मैंने तुम्हें पाला है, इतने सालों तक अपने पसीने से, अपने खून से सींचा है तुम्हारी जिंदगी के बूटे को। और तुम उसे बाहर आने से पहले ही इस तूफान के हवाले कर देना चाहती हो। पापा, मैं रवि के बिना जिंदा नहीं रह सकती। और मैं अपने जीते जी जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी को मौत के हवाले नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। रुक जा रवि।
मधु, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, मैं एक मुजरिम हूँ, मेरी सजा मौत है। नहीं, नहीं रवि, होश में आओ मधु, आज नहीं तो कल कानून इसे गिरफ्तार कर लेगा और खून के इल्जाम में इसे फांसी हो जाएगी। नहीं होगी इसे फांसी, इसने खून जरूर किया है, लेकिन क्यों, क्यों किया है खून इससे? क्या कानून ये नहीं सोचेगा? क्या इंसाफ करने से पहले जज ये नहीं पूछेगा कि खून क्यों किया है इससे? पापा, जर, जन, जमीन, इन तीनों के लिए खून होता है, लेकिन रवि की खून करने की वजह ना दौलत है, ना जमीन, ना औरत, इससे तो हालात ने खून करवाया। हालात ने इसे कैसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां इसकी बहन खून में लथपथ पड़ी थी, जहां इसके पिताजी की लाश इसे पूछ रही थी। पहचानते हो मुझे? मैं तुम्हारा बाप था। उस वक्त मैं भी होती तो मैं भी खून कर देती। उस वक्त अगर आप होते तो आप भी खून कर देते, लेकिन ना आप खूनी है और ना ही मैं। खून करना रवि का पेशा नहीं है, इसकी मजबूरी थी और मैं इसकी मजबूरी में इसके साथ हूं। पापा, अब अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। चलो रवि। रुक जाओ मधु। हेलो पुलिस स्टेशन। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं शादी माँ के सामने करना चाहता हूँ और शादी के बिना मैं मधु को अपने साथ नहीं रख सकता। शराफत के फरिश्ते ने तुम्हें देखकर ही तो दुनिया में शराफत बनाई थी। लगता है आज उसने मेरी नहीं तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकाला है। तुम्हारी शादी है? है नहीं, थी। और अब मेरी शादी का मुहूर्त जब निकलेगा तब देखेंगे। वैसे रवि, आज तुम्हारे घर वाले मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं, लेकिन अब वो मुझे नहीं तुम दोनों को आशीर्वाद देंगे। चल बेटा, बांध ले फेरा और बन जा मेरा डुप्लीकेट। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजम, मंगलम कुंडली काक्षे, मंगलाय। अरे मोहन, आप लोग यहाँ? रवि मधु को ले भागा है। इट्स ओके मैन, ड्यूटी ड्यूटी। बच्चा लोग को आशीर्वाद दो, आओ कम ऑन, ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। जुग जुग जीव बेटा, जोड़ी सलामत रहे। ए भाई, मोहन साहब सभी आशीर्वाद दो। मोहन साहब जरा मूड ठीक कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जी ये बात हुई ना। शादी कैसी लगी माँ? कितना भाग्यशाली है राकेश, घर बसा लिया और एक रवि है, पता नहीं कहाँ मारा मारा फिरता है, उसका भी घर बस जाता तो मैं चैन से मर सकती। अरे मरने की बात क्यों करती हो माँ? हाँ, रवि की शादी की मुबारकबाद सबसे पहले आपको मैं देता हूँ। क्या क्या कह रहा है तू? आप खुद तो उसे आशीर्वाद देकर आई। रवि को? हाँ, सेहरे के पीछे जो चेहरा था वो राकेश का नहीं था, रवि का था। हाँ? और दुल्हन के जोड़े में मधु थी। सच? सच कह रहे तू? अरे माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं क्यों बताता तुम्हें? Why? आप इस देश के रिस्पेक्टेड सिटीजन हैं, इसलिए कानून की मदद करना आपका फर्ज है। आप जानते हैं पुलिस को रवि की तलाश है, उसने विनोद का खून किया। और हमारे पिताजी का खून, हमारी बहन कामना का खून, उनके खूनी को पुलिस ने तलाश क्यों नहीं किया? तुम रवि को मुजरिम समझते हो, मैं उसे बहादुर समझता हूं। तुम्हारे कानून की नजर में वो हत्यारा है, समाज की नजर में वो जालिम है, लेकिन मेरी नजर में वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ जज है। और रवि ने जो भी फैसला किया है उसे मैं
डॉक्टर विक्रम, उस फैसले की कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। विक्रम भैया, रवि का साथ देकर आप भी कानून की निगाहों में जुर्म कर रहे हैं। तो मुझे गिरफ्तार कर लो, अगर तुम कानून के इतने ही फरमा बरदार हो तो जयकाल को खुला क्यों छोड़ रखा है? हिम्मत है तो उसे गिरफ्तार करके दिखाओ। अरे तुम क्या उसे गिरफ्तार करोगे, तुम सब दिखावा और दिखावा। मारे को अपना दोस्ती समझ, चल जल्दी। मारे दुश्मन का दुश्मन मारा दोस्त, इसीलिए मैंने धारे को जगह अलग आदमी से बचाया। कौन सी वैन थी वो? अरे नीली बनना तो मारुति वैन ही तपा। मारुति वैन थी, कोई मारुति भगवान हनुमान रहा था जो आकाश में उड़ गया। नशीली दवाइयां और गैर कानूनी हथियारों के धंधे में जकाल नंबर वन है और मैं हूँ नंबर दो। इस इलाके में किस किस के पास नीले रंग की मारुति रजिस्टर हुई आरटीओ से पता करो। हमारी जिंदगी का तो एक ही मकसद है, जकाल को खत्म करके उसकी जगह पे मारे को नंबर वन बनने का।
मुझे रवि की लाश चाहिए। हमारे को ये भी मालूम है, तू जकाल का दुश्मन है और जकाल तेरा दुश्मन, और ये तेरी लुगाई है ना। लाश चाहिए मुझे रवि की। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जयकाल को खत्म करना। तो मिला हाथ। जान प्यारी है तो जयकाल के अड्डों का पता बताओ। नहीं, नहीं, मैं बताता हूं। इस शहर में कोई कायदा कानून है कि नहीं? वो रवि जंगली जानवर की तरह मेरे पीछे पड़ा है। इससे पहले कि उसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे, मुझे मेरे बंगले पर पुलिस का पहरा चाहिए अभी इसी वक्त। ये अखबार पुलिस के बारे में क्या लिख रहे हैं, पढ़ा है तुमने? यस सर। कोई गिरफ्तारी? नो सर। कोई सबूत? सिर्फ लाशें। और लाशें बोलती नहीं। मैं कहता हूं यह सब कुछ तुम्हारा भाई रवि कर रहा है। रवि, यह तुमने पढ़ा है एडिटोरियल? नहीं पढ़ा है तो पढ़ो इसे। इसमें तुम्हारा नाम तो नहीं है, लेकिन इशारा तुम्हारी तरफ है। और तुम मुजरिमों को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हो क्योंकि उनमें से एक तुम्हारा भाई भी है। सर, ये इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है, एक खोखले बंजर और सूखे दिमाग की पैदावार है। सर, जब तक मेरे जिस्म पर कानून की वर्दी है, मेरे लिए फर्ज पहले है, मेरा भाई बाद में। आप यहां कैसे? तुम जयकाल के पास कैसे?
तुम्हारे डैडी तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट बनाना चाहते थे ना? एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, जयकाल के गुंडे मुझे किडनैप करके उसके अड्डे पे ले गए, और जब मैं वहां पहुंची तो डैडी, डैडी, नहीं! मेरे खिलाफ गवाही देने चला था, नहीं! मैंने इसे दुनिया से चलता कर दिया। तू क्या समझता है, तू बच जाएगा? नहीं, मैं दूंगी गवाही तेरे खिलाफ, मैं दूंगी गवाही तेरे खिलाफ। ये रहा तेरा आशिक। विकी? इससे बहुत प्यार करती है ना तू? इसकी लाश देखना पसंद करोगे तुम? सुना है बहुत अच्छा नाचती है तू, आज से तुम मेरे इशारों पर नाचेगी। नहीं विकी, बंद कर दो इसे तहखाने में। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। I'm sorry. लेकिन आप यहां कैसे? मैं तो अपने छोटे भाई रवि के लिए। रवि कहां है? रवि मिले तो उसे कहीं दूर भेज दो, जयकाल के सारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल गया तो जयकाल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे इसी बात में तुम्हारी मदद चाहिए कविता, मेरे छोटे भाई के बारे में जो भी खबर मिले। शायद कोई आ रहा है, आप जाइए, मैं सब खबर देती रहूंगी। बोला सेठ, तुम्ही मला बुलावला काय? मेरे आदमियों में कोई भी काम का आदमी नहीं, इतने दिनों से कोई भी रवि का पता नहीं लगा सका, आता माझी उम्मीद फक्त तुझ्यावर आहे गायकवाड। शेट, आजपर्यंत जे आपण काम आपण सांगितलं ते मी पूरा करेला, पूरा केला की नाही? तुमने मुझे जज अग्रवाल को मारने के लिए बोला, मैंने उसका एक्सीडेंट कर दिया, जज सोमनाथ और उसकी बेटी को जीप में उड़ा दिया, आता काय पाहिजे? शेट बोला काय पाहिजे? रवीची मौत पाहिजे मला आता। शेट क्या तुम्हें अपने चारों तरफ लगे पैरे के बार खुले में आना पड़ेगा? उससे क्या होगा? रवि को जब पता चलेगा तो तुम्हें मारने के लिए वो बाहर आएगा, पंत्याचा हमल्याचा अगोदर शेट माझा हमला होईल। मी मरत नहीं, मारतो शेट, मारतो। ठीक है, कल मैं फ्लाइंग के लिए जाऊंगा। थैंक यू कविता। शेट, जब तक मी बोलत ना आए तब तक तुम्ही प्लेन नीचे उतरू नका। ओके। अपने उस चूहे को बोल के बिल से बाहर निकले। मैं बोलता। जल्दी बोल। बला मारू नका, बला मारू नका।
हेलो शेट मी त्याला गोळी मारून ठार केला की व्हेरी गुड मी मरत नाही मारत पण नाही आता तुम्ही जा माझा यमदूत मी गायकवाड जातो नाशिक देवा माझा देवा छोड़ दो मुझे वो भाग जा रहा छोड़ दो मुझे पानी को अपने हाथ में मत लो भैया छोड़ दो मुझे भैया माजी, नमस्ते इस हालत में तुम कहाँ मैं अपने रवि के साथ हूँ माजी अब मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी अस्पताल से सीधे अपने घर चलना मेरे रवि का बच्चा सबसे पहले अपनी दादी के गोद में आएगा से होश आ रहा है मां रवि बेटा तुमने तो हमें डरा ही दिया था मधु जानती है जब तक जयकाल जिंदा है उसका रवि नहीं मर सकता मोहन भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं हाँ बोलो रवि यहां नहीं मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां ना हमें कोई देख सके ना सुन सके भैया बोलो रवि क्या बात है जब इंसान की इंसानियत मर जाती है ना तो वो भी इन मुर्दों में शामिल हो जाता है और हमें जयकाल और रंजीत को बहुत ही जल्द इन मुर्दों के बीच लाना है ताकि इंसानियत और मासूमियत बिना किसी डर के इस शहर में सांस ले सके पहले तुम ये बताओ तुम रंजीत का साथ क्यों दे रहे हो उस शैतान का साथ ना देता तो मुझे जयकाल और रंजीत के साथियों का पता नहीं चलता तुम हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त इसी वास्ते मैंने जयकाल के आदमियों से तारे को बचाया अब क्या बोले तो इसका मतलब ये कमीना भी जयकाल की जैसा दरिंदा है मैं इन सब शैतानों को एक साथ कानून के हवाले करूंगा भैया मैंने अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं सबूत कहां है वो सबूत एक फाइल में और वो फाइल मैं आपके सपोर्ट करना चाहता हूं
ताकि मुजरिमों की एक पूरी की पूरी कौम इस शहर से खत्म हो जाए। वो सबूत और कविता का दिया हो वो कैसेट अब जयकाल और रंजीत को फांसी पर लटकने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलो भैया। सेरा जय राम दादा, तुम हमारा दुश्मन निकला, इससे बदला लेने के लिए हमें अब जकाल से दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो अब भी पुलिस की कैद में है। अब उसे कोई कैद खाना नहीं रोक सकता। हेलो, क्या क्या हुआ मधु?
क्या हुआ? मोहन भैया को भी? Cheers! एनना, तुम्बा खुशी आयतो, दिग्गज के तुम्बा संतोष आयत पा, बड़ा संतोष आयत नमा। जयकाल सेठ, तुमने आप खुशी मुबारक। जेल से आपकी आजादी, कानून के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है सर, आजादी मुबारक हो। Thank you very much. आज हम अपनी खुशी में तुम्हारी खुशी शामिल करना चाहते हैं। तुमने दिए हुए वचन से वफा करके आज तक हमारा साथ दिया है, इसलिए आज हम तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को आजाद करते हैं। विकी! 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 नहीं! कविता, जयकाल के साथ गद्दारी करते वक्त तूने ये नहीं सोचा कि जयकाल काल का मुंह पलट देता है? रवि, जयकाल के कान चींटी की सांस पकड़ लेते हैं। मैं जानता हूं तुम यही कहीं हो। अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ मेरे। मैं तीन तक गिनूंगा, एक, तीन पर तेरी बीवी की लाश जमीन पर गिरेगी, दो, तीन। मैं इधर हूं। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। साले, अगर थारे को थारी लुगाई की जिंदगी प्यारी है ना, तो वो जो फाइल है ना, जो तू अपना इंस्पेक्टर भाई को देने वाला था, वो हमारे वाले कर दे। हैं? बता दो। पहले पहले मेरी बदू को छोड़ दो। छोड़ देंगे, मगर फाइल मिलने के बाद। तू और बिहारी इसी के पास रुकना, मैं आता हूँ। ठीक है सर। आगे बढ़।
यहां से शहर जाने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी करो। रवि के हाथ में फाइल है, वो शहर नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ। रवि, तुम नीचे छुप जाओ।
नीचे उतरो। क्या कुदी की लोड़ है मोदी वाली सरकार? भरजाई की तबीयत खराब है। हाँ तुसी उतरो जी, बैठो। बहुत बहुत मेहरबानी सरदार जी, छेटी एवीएम हॉस्पिटल ले लो जी। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। पैसे रहन दो जी, तुसी भरजाई नू छेटी अंदर ले जाओ। भरजाई का ध्यान रखियो। जल्दी चले चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो हिम्मत रखो। जयकार! बेटे की जान ली है तूने रवि, अब मैं तेरे सारे खानदान को तेरे बाप बहन और भाई के पास पहुंचाकर ही दम लूंगा। ओके थैंक यू रवि। रवि ये क्या हो गया? तो ये फाइल पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा देना, मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूं। मधु कैसी है? रवि तू बाप बन गया है, बेटे का बाप। हाँ आ रवि आ, आ।